कुछ लोग होते हैं कितना भी खा ले कभी वेट गेन नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कितना कम ही क्यों ना खा ले वेट लॉस ही नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है? क्या वेट के साथ जीन का कोई रिलेशन है? सही तरह से वेट गेन करने के लिए पूरे दिन में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? क्या केक बर्गर ये सब खा के वेट गेन कर लेना सही है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? इन सारे सवालों के साइंटिफिक आंसर्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और आखिर में आपके साथ एक फुल डे डाइट प्लान भी शेयर करूंगा जिससे कि आपको वेट गेन करने में सच में आसानी हो। सबसे पहले तो देखते हैं क्या वेट के साथ जिन का कोई रिलेशन है। तो जवाब है हाँ, एक टाइप की जिन है जिसे अपोआ 2 जिन कहा जाता है। ये जिन एक इंसान जो खाता है वो फूड कितना और कैसे कैलोरी में कन्वर्ट होता है उस पर काफी हद तक इफेक्ट करता है। तो अगर किसी इंसान की अपोआ 2 जिन फॉल्टी है तो हो सकता है उन्हें वेट गेन करने में या वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोड्यूस करने के लिए शायद नॉर्मल इंसान को 2 पराठे खाने पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ एक फॉल्टी अपोआ 2 जीन वाले इंसान को वही सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी प्रोड्यूस करने के लिए शायद 4 पराठे खाने होंगे। अब उनको क्या पता उनकी जीन में फॉल्ट है, वो भी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह ही 2 पराठे खाते हैं और कह रहे हैं मैं कितना भी खा लूं मेरा वेट ही नहीं बढ़ता। तो इसका सलूशन क्या है? क्या पहले हमें जाके जानना होगा कि हमारी जीन में फॉल्ट है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इनफ खाना खाते हो लेकिन फिर भी आप वेट गेन नहीं कर पाते तो शायद आपकी जीन में फॉल्ट हो। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा, अभी आप जितना खा रहे हो जिसे आप इनफ मानते हो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा खाना होगा, जो कि हमें ले आता है हमारी स्मार्ट आइडिया नंबर 1 पे, कैलोरीज इन ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वेट लॉस वाली वीडियो में भी बताया था, वेट मेंटेन रखने के लिए एक सिंपल इक्वेशन है, कैलोरीज इन इक्वल्स टू कैलोरीज आउट। अब आपको वेट कांस्टेंट तो नहीं रखना है बल्कि वेट बढ़ाना है, तो आपके लिए ये इक्वेशन बन जाता है कैलोरीज इन ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है, और पूरे दिन में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं लाइक बैठे रहना, चलना, एक्सरसाइजेस करना, इन सबसे वो कैलोरीज खर्च होते हैं। तो आपको अपना कैलोरीज इनटेक बढ़ाना होगा। अब पिज्ज़ा बर्गर इन सब में तो बहुत कैलोरीज होते हैं, तो क्या पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा के कैलोरीज इनटेक बढ़ाना सही है? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? क्योंकि सही तरीके से वेट गेन करने का मतलब है अपनी बॉडी में मसल गेन करना, ना कि फैट गेन करना। क्योंकि शरीर में फैट परसेंटेज ज़्यादा होने से आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज ऐसे बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। अब मसल कैसे बनते हैं? वो बनते हैं प्रोटीन खाने से और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस करने से, जैसे कि वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। तो टारगेट क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे फूड्स खाना जिनसे कि हमें प्रोटीन ज़्यादा मिले, जैसे कि एग्स, मीट, फिश, और उसके साथ साथ हर रोज़ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना। अब एक हेल्दी डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 10% फैट होना ज़रूरी है, और ऑन एन एवरेज हर इंसान को डेली मिनिमम 2000 कैलोरीज इंटेक करने की ज़रूरत है। तो अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगेगा आपकी हर रोज़ कैलोरीज इंटेक कितनी है? इसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है माई फिटनेस पल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप चाहो तो इस ऐप को यूज़ करके अपनी डेली फूड इंटेक कैलकुलेट करके अपनी डेली कैलोरी इंटेक पता लगा सकते हो। इस ऐप से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको अपनी डेली डाइट में कितनी कैलोरीज ऐड करना है, या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो कितनी कैलोरीज रिड्यूस करना है। ये एक तरीका है जो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो ये तरीका बहुत बोरिंग है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। जब भी आप कुछ खा रहे हो अपने मोबाइल पे जाओ, उसे एंट्री करवाओ, फिर पता नहीं आप शायद खा रहे हो 10 ग्राम और एंट्री कर रहे हो 20 ग्राम, क्योंकि हर वक्त खाना ऐसे वेट कर करके खाना थोड़ी पॉसिबल है। तो पता नहीं जो कैलोरीज कैलकुलेट करके आ भी रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसका आसान तरीका क्या है? ये हमें ले आता है हमारी स्मार्ट आइडिया 2 पे, जो कि है यूज लार्जर प्लेट्स। देखिए, इतना तो पक्का है कि आपको कैलोरीज इंटेक बढ़ाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप अभी जितना खाते हो उससे आपको ज़्यादा खाना होगा। अब सवाल आता है ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? मान लो आपको ये सब कैलोरीज कैलकुलेट करके पता चला आप अभी 1 पराठे खाते हो लेकिन आपको खाना चाहिए 4 पराठे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आपके लिए हर रोज़ कंटिन्यू करना पॉसिबल होगा? खाना भी एक टॉर्चर के जैसा लगेगा। हार्डली 2-3 दिन कंटिन्यू कर पाओगे, फिर पहले जो खाते थे वापस से वही रूटीन में आ जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फूड इंटेक धीरे धीरे से बढ़ाना होगा, और इतना धीरे से कि हमारी ब्रेन को भी पता ना चले। तो मैं क्या कहता हूँ, अभी आप अगर लंच में 1 पराठे खाते हो
तो आज से अगले एक हफ्ते तक देर पराठे खाओ, या अगर आप एक कप राइस खाते हो तो अगले एक हफ्ते के लिए एक के बदले देर कप राइस खाओ, फिर अगले हफ्ते से दो कप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चावल या पराठा एक से देर बन गया है, ये ब्रेन को पता ना चले इसके लिए क्या करना होगा, आप अभी जिस प्लेट में खाना खाते हो उससे थोड़े से बड़े प्लेट में खाना खाना शुरू कर दो। ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लेट की डायमीटर हमारी फूड सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। मतलब छोटे प्लेट में खाना खाने से आपको कम खा के भी लगेगा आपका पेट भर गया है, और बड़े प्लेट में खाने से इसका बिल्कुल उल्टा। तो आपको तो ज़्यादा खाना है इसलिए आपको लार्जर प्लेट यूज़ करना होगा। और खाने से पहले कभी भी पानी मत पीजिए, क्योंकि ऐसा करने से पानी से ही आपका पेट भर जाएगा और आप जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं खा पाओगे, और खाने से पहले पानी पीने से आपकी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं हमारी वेट गेनिंग डाइट प्लान पे। डाइटिंग की एक गोल्डन रूल है, नेवर मेक बिग चेंजेस टू योर डाइट। आप खाने में एकदम से बहुत कुछ बड़े चेंजेस लाने जाओगे, आपकी बॉडी और माइंड कभी आपका साथ नहीं देगा। तो आप अभी जो खा रहे हो वही खाओ, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान में रख के खाओ, जिसमें से नंबर वन है, हर रोज सुबह उठते ही आपको कम से कम एक बनाना खाना है और एक ग्लास दूध पीना है। नंबर टू, ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हो वही खाओ, लेकिन उसके साथ ब्रेकफास्ट में हर रोज कम से कम एक अंडे आपको खाना ही है। नंबर थ्री, लंच में भी आप जो खाते हो वही खाओ, बस एक के बदले देर पराठे या एक के बदले देर कप चावल, और उसके साथ या तो एक फिश या थोड़ा सा मीट या फिर मसूर दाल, इन तीनों में से कोई एक खाना है। नंबर फोर, शाम को आपको भूखा नहीं रहना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाना है। यहाँ पे कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मनपसंद कुछ ना कुछ एटलीस्ट ज़रूर खाओ, हाँ बस ज़्यादा ना हो जाए। नंबर फाइव, डिनर में आपको बिल्कुल ही कम खाना है, बस आधा पेट भरने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही काफ़ी है। डिनर में प्रोटीन खाना भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि आप जब गहरी नींद लेते हो तभी ये मसल बिल्डिंग का काम चलता है, और इसलिए एनफ स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आधा पेट डिनर करने के बाद आपको भूख लगे तो आप क्या कर सकते हो, सोने से पहले बिल्कुल कम शुगर के साथ एक ग्लास दूध पी के सो सकते हो, इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। तो ये था हमारा वेट गेनिंग डाइट प्लान। अब चलिए आखिर में फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वेट गेन करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। नंबर वन, अभी आप जो खा रहे हो उससे बस थोड़ा सा 0.5 यूनिट ज़्यादा खाना शुरू करो, वही काफ़ी है। नंबर टू, मसल बढ़ाने के लिए और फैट घटाने के लिए हर रोज़ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करो। नंबर थ्री, खाने के लिए लार्जर प्लेट्स यूज़ करो। नंबर फोर, खाने से पहले कभी भी पानी मत पियो। नंबर फाइव, अपनी डेली डाइट में आपको बस बनाना, एग, मिल्क और फिश या फिर मीट या फिर मसूर दाल ऐड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।